लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिलाने प्रकल्पग्रस्त कल 24 जून को सिडकों का घेराव करने वाले हैं। प्रकल्पग्रस्त संगठन उद्धव सरकार द्वारा एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम दिए जाने से नाराज हैं और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ दीबा पाटिल का नाम दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में 1,00,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सर्वपक्षीय कृति समिति के कार्याध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने आज कहा कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आंदोलन होकर रहेगा और जब तक दीबा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर नहीं मिल जाता, संघर्ष जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण ने नवी मुंबई रायगढ़ की राजनीति गर्मा दी है। प्रकल्पग्रस्त एयरपोर्ट पर अपने मसीहा लोकनेता दीबा पाटिल का नाम चाहते हैं, हालांकि राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और बाला साहब ठाकरे का नाम देना चाहती है। इसके विरोध में कल गुरुवार सुबह प्रकल्पग्रस्तों ने व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन की तैयारियों में जुटे सर्वपक्षीय कृति समिति के कार्याध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने आज दावा किया कि आंदोलन में 1,00,000 प्रकल्पग्रस्त शामिल होंगे और दीबा पाटिल के नाम की मांग करते हुए सिडकों का घेराव करेंगे। उन्होंने सरकार और पुलिस द्वारा आंदोलन को कुचलने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन लाख कोशिश कर ले, दीबा पाटिल का नाम दिलाने प्रकल्पग्रस्त अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। ऐसा है कि सिडको भवन का घेराव हमने तय कर लिया। जिस सिडको ने ये अन्यायकारी रिजोल्यूशन पास किया है, उस सिडको के सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर को घेराव करने का हमने तय किया है। अगर पुलिस हमको रोकेगी, हम आएंगे, जहाँ जहाँ से रास्ता मिल सकता है वहाँ से आएंगे और जहाँ तक पुलिस हमें रोकती है वहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ रोकेगी हम लोग वहीं पे लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे कि जिसने हमारे लिए इतना त्याग किया, हम उसके लिए अपनी ओर से पूरा ताकत लगा देंगे। कल का आंदोलन होगा, अगर कल के आंदोलन के बाद भी सरकार अगर टस से मस नहीं हुई, हमारी डिमांड सुनने को, उसके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुई, तो आगे क्या होगा तय कर लेंगे। वहीं इस आंदोलन को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस ने कल नवी मुंबई में आने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। डीसीपी ट्रैफिक पुरुषोत्तम कराड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन के कारण हाईवे पर भीड़ हो सकती है, ऐसे में भारी वाहनों को शहर में प्रवेश से रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। नवी मुंबई मध्ये कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रॅफिकचं नियोजन करणे हा एक आस्पेक्ट आहे, कारण त्या दिवशी उरण फाटा ते खारघर हा साईन पनवेल हायवे हा पॅच पूर्णपणे आपण बंद करतो आहे आणि हा बंद केला तर ट्रॅफिकचं नियोजन त्या दृष्टीने करण्यासाठी नोटिफिकेशन आपण काढलेलं आहे। यामध्ये 3 भाग आहेत, एक हेवी व्हेकलचा, हेवी व्हेकलसाठी आपण नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीमध्ये बाहेरून येणारे सर्व हेवी व्हेकलला पूर्णपणे बंदी केलेली आहे। त्याचबरोबर नवी मुंबई अंतर्गत रस्त्यावर सुद्धा हेवी व्हेकलची मुवमेंट होणार नाही असं आपण नोटिफिकेशन केलेलं आहे। दुसरा मुद्दा हा आहे की मुंबईकडून पुण्याकडे जाणाऱ्या नागरिकांसाठीचं त्याच्यात डायव्हर्जन दिलेलं आहे, कारण आपण मेन हायवे आडा डायव्हर्ट करतो आहे, त्याच्यामुळे मुंबईकडून जे पुण्याला नागरिक जाऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी त्यांनी 2 मार्ग आहेत परत, एकतर वाशी टोल नाक्या मार्गे ते वाशीत येतील, वाशीमधून ऑरेंजा सर्कल, ऑरेंजा सर्कलवरून बेलापूर ठाणे रोडने मापेला जातील आणि मापेवरून ते शिळफाटा, तिथून कळंबोली सर्कल आणि कळंबोली सर्कलवरून एक्सप्रेसवे किंवा जुना मुंबई पुणे हायवेने ते जाऊ शकतात किंवा मुंबई गोवा हायवेने त्याने पण जाऊ शकतात। हा एक मार्ग झाला। मुंबईसाठीचा दुसरा मार्ग आहे ऐरोलीवरून म्हणजे ठाणे आणि मुंबईसाठी ऐरोली टोलनाक्यावरून ऐरोलीला येतील, ऐरोली रबालेवरून मापेला येतील आणि मापेवरून परत शिळफाटा, कळंबोली आणि मग पुण्याकडे किंवा गोव्याकडं असा प्रवास तो होईल। तिसरा याच्यातला तिसरा मुद्दा हा आहे की पुण्याकडून मुंबईकडे किंवा गोव्याकडून मुंबईकडे येणाऱ्या नागरिकांसाठीची व्यवस्था, तर पुण्याकडून जे एक्सप्रेस वेने येतील तर त्यांच्यासाठी एक्सप्रेस वे संपल्यानंतर पुरुषार्थ पेट्रोल पंपपासून त्यांना उजवीकडे टर्न दिला जाईल, तिथून रोडपालीला जातील, रोडपालीपासून ते शिळफाटा, मापे आणि मग मापेवरून आयदर वाशी किंवा ऐरोली मार्गे त्यांना मुंबई किंवा ठाण्याकडे जसं जायचं त्याप्रमाणे जाऊ शकतील।
आणखीन पुणे मुंबई जुना हायवे त्याचप्रमाणे गोवा मुंबई हायवे या रस्त्याने येणाऱ्या नागरिकांसाठीचं डायव्हर्जन असं राहील की त्यांनी पळसपेवरून जे एम पी टी रोडच्या डी पॉईंटला येतील, तिथून कळंबोली सर्कल, कळंबोली सर्कलवरून शिवपाटा, शिवपाटावरून महापे आणि पुढं मग आयदर वाशी किंवा ऐरोली मार्गे मुंबई किंवा ठाण्यात जसं जायचं त्याप्रमाणे जाऊ शकतील। बताना जरूरी है कि राज्य सरकार आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। सूत्रों की माने तो आज की रात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई बड़े नेताओं को नजरबंद करने की तैयारी है। जाहिर है ऐसे में आंदोलन के नेतृत्वहीन होने की आशंका है। हालांकि सपोर्ट कर रहे व्यापारी महासंघ और वारकरी समुदाय जैसे गैर राजनीतिक संगठनों का कहना है कि आंदोलन फिर भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।